ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, बीते महीने ही Realme ने अपने नए डिवाइस Realme 2 को लॉन्च किया था और ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बस कुछ दिन में ही उन्होंने अपने एक और ब्रांड न्यू डिवाइस Realme 2 Pro को लॉन्च कर दिया। आज के इस वीडियो में इसी डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष वीडियो। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। वैसे तो दोस्तों बहुत दिनों से इस डिवाइस से रिलेटेड चर्चे हो रहे थे, लेकिन आखिरकार जब ये डिवाइस लॉन्च हुआ तो सभी को अचंभे में डाल दिया, क्योंकि ये जो Realme 2 Pro है अपने साथ बड़े ही कमाल के स्पेसिफिकेशन को कंटेन करता है और जो प्राइस भी है वो भी ज़्यादा नहीं है। आइए स्पेसिफिकेशन के पे एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस डिवाइस का इमेज दिखाना चाहूँगा, तो देख लीजिए, यही है इस डिवाइस का इमेज। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इस डिवाइस का 3 वेरिएंट आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है 4 GB की रैम 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ, और एक में आपको देखने को मिल जाती है 6 GB की रैम 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ, और एक में आपको देखने को मिल जाएगा जो सबसे टॉप वेरिएंट है 8 GB की रैम 128 GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ। यहाँ पे जो आपको प्राइस देना होगा इन डिवाइसेस के लिए वो है 13,990 रुपया, 15,990 रुपया और 17,990 रुपया, यानी कि 18,000 से कम की कीमत में आपको देखने को मिल जाता है 8 GB रैम वाला स्मार्टफोन, जो आज से पहले आपको देखने को नहीं मिलता था। ये जो कमाल है Realme ने कर दिखाया है। आइए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पे एक नजर डालते हैं, तो आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा 6.3 inches की 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला एक फुल HD प्लस डिस्प्ले। यहाँ पे आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है 409 PPI, यानी कि पिक्सल पर इंच। अगर डिजाइन की बात करें तो डिजाइन में हल्का सा चेंजिंग किया गया है कंपैरिजन टू Realme जो पहले आपको देखने को मिला था 2, क्योंकि वहां पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलता था और यहाँ पे भी सेम आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल रहा है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पे हल्का सा चेंजिंग किया गया। मैं आपको बता दूं, जो पहले आपका Realme 2 था वहां पे आपको नॉच देखने को मिलता था लेकिन वो वाटर ड्रॉप नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात कर ले प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर, जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जिसके 4 कोर बेस्ड है 2.2 GHz पे और 4 कोर बेस्ड है 1.8 GHz पे। यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर 64 बिट की देखने को मिल जाती है और इसी के साथ देने के लिए जो आपको GPU देखने को मिलता है वो आता है Adreno की ओर से 512 GPU। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस डिवाइस में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, 4 GB की रैम, 6 GB की रैम, 8 GB की रैम। यहाँ पे आपको स्टोरेज वेरिएंट भी 3 देखने को मिल जाएगा, 64 GB की, और दूसरा भी है 64 GB की, और जो अंतिम वाला है वो है 128 GB की। यहाँ पे प्राइस के बारे में मैंने आपको चर्चा कर लिया और बता दिया। यहाँ पे अगर बैटरी की बात करें तो इस डिवाइस में आपको देखने को मिल जाएगा 3500 mAh की बैटरी। अगर बात करें कैमरे की, तो आपको इस डिवाइस में रियर साइड में देखने को मिलता है 16+2 MP का डुअल रियर कैमरा। यहाँ पे सबसे कमाल की बात यह है कि आपको इस डिवाइस में जो कैमरा देखने को मिलता है वहां पे ऑटो फोकसिंग सिस्टम में यूज किया गया है डुअल पिक्सल ऑटो फोकस, जो आपको देखने को मिलते हैं सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस में, जैसा कि आपको S7 Edge में देखने को मिला था, S8 में देखने को मिला था। यह डुअल पिक्सल ऑटो फोकस तकनीक है, यह सबसे कमाल की तकनीक है ऑटो फोकसिंग सिस्टम में। अगर यहां पे बात कर ले फ्रंट कैमरे की, तो आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा 16 MP का फ्रंट कैमरा। यहां पे बात कर ले कुछ सेंसर वगैरह की, तो आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सीलोमीटर, कंपास वगैरह आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इस डिवाइस में आपको नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, तो डुअल सिम स्मार्टफोन है, यहां पे आपको देखने को मिल जाता है 4G कनेक्टिविटी। ये इंडियन बैंड्स 4G को सपोर्ट कर लेता है। तो यही है दोस्तों इस स्मार्टफोन का फुल स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं अपने ओपिनियन के बारे में। देखिए दोस्तों, जो प्राइस है, प्राइस के हिसाब से तो इस डिवाइस ने या फिर बोले तो इस कंपनी ने कमाल धमाल मचा के रख दिया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक नजर डालें तो कहीं ना कहीं 14,000 रुपए से कम में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिल रहा है, 4 GB की रैम, 64 GB की इनबिल्ट स्टोरेज के साथ। वहां पे आपको देखने को मिल रहा है डुअल रियर कैमरा, वाटर ड्रॉप नॉच वाला फोन, साथ ही साथ उस डिवाइस में आपको देखने को मिल जाता है 3500 mAh की बैटरी, 14,000 से कम का फोन आता है, जहां पर आपको देखने को मिल रहा है डुअल पिक्सल ऑटो फोकस तकनीक। तो कहीं ना कहीं इन्होंने तो कमाल करके दे दिया। और टॉप वेरियंट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 18,000 रुपए से कम की प्राइस और 8 GB की रैम। तो कहीं ना कहीं जो फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन आपको होता है, एक कम प्राइस में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो जो डिवाइस है बड़ा ही कमाल का है। अगर आपको डिवाइस लेना है तो ये डिवाइस ले सकते हैं, बड़ा ही कमाल का डिवाइस है। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल को। इस वीडियो में इतना दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।